और बड़ी खबर का रुख करेंगे। उत्तर भारत देखिए ठंड की चपेट में है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर के कई राज्यों में ठंड और कोहरे का असर दिख रहा है। दिल्ली में तो आज का तापमान 5 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। आज दिल्ली में देर रात से घना कोहरा छाया हुआ, गाड़ियों की रफ्तार पर इसका असर पड़ रहा, गाड़ियों की आवाजाही में भयंकर असर पड़ा। तस्वीरें आपके सामने, अंदाजा लगाइए, देखिए कि कोहरे के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार कितनी थमी हुई है, कैसी हालत है वो हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से। और ये तो हाल हुआ सड़कों की, गाड़ियों का और ट्रेनों की अगर बात करें, उड़ानों की अगर बात करें, तो देखिए उन पर भी किस तरह से असर पड़ता हुआ नजर आ रहा है। बताया जा रहा है कि दिल्ली आने वाली करीब 22 ट्रेनें जो है वो देरी से चल रही हैं। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, राजस्थान में विजिबिलिटी और पारा दोनों ही एकदम कम है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। ठंड के साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी दिल्ली में गंभीर श्रेणी में पहुंच गया है। फिलहाल दिल्ली एनसीआर में जो घना कोहरा है उसका जो प्रकोप है हम आपको दिखा रहे हैं। विजिबिलिटी सिर्फ 10 मीटर तक है, बहुत ज्यादा सर्दी है, तापमान में भारी गिरावट दर्ज हुई है और विजिबिलिटी न के बराबर है। तस्वीरें लगातार दिल्ली एनसीआर के सामने आ रही है, हम आपको दिखा रहे हैं। न्यूनतम पारा 5 डिग्री सेल्सियस आज सुबह का रिकॉर्ड किया गया है। आदित्य प्रताप हमारे साथ है, वेरी गुड मॉर्निंग आदित्य। आदित्य, 5 डिग्री सेल्सियस तापमान आज सुबह का रिकॉर्ड किया गया। दिल्ली एनसीआर समेत समूचे उत्तर भारत में कोहरे का कोहराम और सर्दी का सितम बरकरार। बिल्कुल, देखिए दिल्ली समेत पूरे उत्तर भारत में और ये पूरी बेल्ट, चाहे वो अमृतसर, पंजाब और ये उत्तर, मतलब उत्तर प्रदेश का भी एक बड़ा इलाका जो है आज इस घने कोहरे से प्रभावित है। तस्वीरें आपको दिखाऊंगा, कश्मीरी आईएसबीटी कश्मीरी गेट के आसपास हम लोग खड़े हैं, जहां पे आप देख सकते हैं सुबह 8 बजे के लगभग का समय है, किसी भी तरीके से सूर्य देवता दर्शन देते नहीं दिखाई दे रहे और कोहरा इतना घना है। और आज मौसम विभाग का कहना है कि ये इस सीजन का सबसे लंबा पड़ने वाला घना कोहरे की ये डेंसिटी है और जीरो विजिबिलिटी के साथ कई जगह ये जो कोहरा है वो दर्ज किया गया है साथ में ही, क्योंकि दिल्ली में आज AQI का आंकड़ा भी बहुत गंभीर श्रेणी में दर्ज है। ये प्रदूषण और घनी धुंध की चादर कहीं ना कहीं दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी परेशानी इकट्ठा कर रही है और जिस तरीके से जो एक्सप्रेस वेज हैं वहाँ पर भी सावधानी बरतने के लिए लगातार अनाउंस किए जा रहे हैं कि किस तरह से भारी कोहरे के बीच में ट्रैफिक यातायात में मुश्किलें आ रही हैं। और आप अभी भी ये तस्वीरें देख सकते हैं, बिना हेड और टेल लैंप्स के गाड़ियाँ नहीं चल रही, पार्किंग लाइट लगातार ऑन है और जिस तरीके से आज विजिबिलिटी दर्ज की गई है, मौसम विभाग का कहना है कि इतने लंबे समय तक, रात कल देर रात से ही कोहरा पड़ना शुरू हुआ और अभी तक कहीं भी इस कोहरे के छटने के आसार नहीं दिखाई दे रहे। 5 से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सर्द हवाएं चल रही हैं। देखिए अभी भी परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। प्रशासन की अगर बात करें तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई एक्शन लिया जा रहा है, क्योंकि देखिए कल सोमवार का दिन है, सोमवार से बच्चों के जो स्कूल है वो भी खुल जाएंगे। बिल्कुल, देखिए प्रशासन लगातार प्रशासन जिस तरीके से काम कर रहा है और वाकई में कोहरा एक ऐसी समस्या है जिसके लिए प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पे है। जो सड़कों पे ब्लिंक लाइट लगी होती हैं उनकी कहीं ना कहीं कल रात से ही रिपेयरिंग शुरू हो गई थी, जहां पर नहीं चल रही थी उसके लिए जो ट्रैफिक पुलिस है वो लगातार काम कर रही थी और फिलहाल जिस तरीके से स्थितियां बनी हुई है प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि चीजें सामान्य हो जाए। बिल्कुल आदित्य प्रताप सिंह, शुक्रिया आपका जानकारी देने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। इन तस्वीरों पर नजर लगातार है। Z News.